सरकार में मंत्री रामदास आठवले ने अयोध्या में राम मंदिर बनाने के साथ बुद्ध विहार बनाने की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा के मौके पर बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना को बधाई दी। गहलोत सरकार ने विश्व आदिवासी दिवस पर 9 अगस्त को राज्य में सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान किया। अंकिता लोखंडे ने न्यूज 18 से खास बातचीत में सुशांत सिंह के डिप्रेशन में होने की खबर को खारिज कर दिया और कहा कि वो आत्महत्या नहीं कर सकता था। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती ने चुप्पी तोड़ी और सच की जीत होने की बात कही। दिल्ली के पास नोएडा में बन रही एक इमारत के गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत खेमे के विधायकों को जयपुर से जैसलमेर के रिजॉर्ट में भेज दिया गया। दिल्ली के उपराज्यपाल ने अनलॉक 3 के दौरान केजरीवाल सरकार के होटल और साप्ताहिक बाजार खोलने के फैसले पर रोक लगा दी। पंजाब के अमृतसर समेत 3 जगहों पर जहरीली शराब पीने से 38 लोगों की मौत हो गई। भूमि पूजन के दौरान भीड़ पर रोक लगाने के लिए 4 अगस्त से किसी को अयोध्या में एंट्री नहीं दी जाएगी। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन के लिए प्रयागराज से संगम की मिट्टी और पानी अयोध्या भेजा जाएगा। कोरोना संकट के बीच आज देश में कुछ बदलाव के साथ अनलॉक 3 लागू हो गया। यूपी सरकार ने अनलॉक 3 के दिशा निर्देश जारी कर दिए जिसके मुताबिक राज्य में पहले की तरह अगस्त के पूरे महीने शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय विमानों की उड़ानों पर लगी रोक 31 अगस्त तक जारी रहेगी। जम्मू कश्मीर सरकार ने पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती को 3 महीने और नजरबंद रखने का फैसला लिया। जम्मू कश्मीर में पिछले 1 साल से नजरबंद चल रहे पूर्व विधायक सज्जाद लोन रिहा कर दिए गए। हरियाणा के अंबाला में एयरफोर्स स्टेशन पर पायलटों की राइफल उड़ाने की ट्रेनिंग शुरू हो गई। देश में पहली बार 24 घंटे में कोरोना के 55,000 से ज्यादा मामले सामने आए। दिल्ली कोरोना मरीजों के एक्टिव मामलों में टॉप 10 से बाहर होकर 11वें नंबर पर खिसक गई। देश में एक दिन में रिकॉर्ड 6,42,000 से ज्यादा सैंपल की जांच की गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 3 अगस्त से कुलभूषण जाधव मामले की सुनवाई करेगी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने रायपुर जा रहे छत्तीसगढ़ के सीएम से मुलाकात की जिसमें कई कोल ब्लॉक की नीलामी पर सहमति की खबर है। सरकार का दावा है कि 3 तलाक के मामलों में 1 साल में 80% की कमी आई। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को मजदूरों पर जवाब देने के लिए 3 हफ्ते का और समय दे दिया जिससे सभी सरकारों को गांव लौटे मजदूरों पर बनाई जा रही पूरी योजना की जानकारी देनी होगी। सरकार ने चीन जैसे देशों से रंगीन टेलीविजन के आयात पर रोक लगा दी। यूपी में गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन से बात करने पर दूसरी बार 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और पंजाब समेत कई राज्यों में मेडिकल स्टाफ को वेतन नहीं मिलने पर केंद्र और वहां की सरकारों से जवाब मांगा जिस पर अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी। सुशांत मामले में ईडी ने बिहार पुलिस की एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया और अब वो अगले हफ्ते रिया और उनके भाई को पूछताछ के लिए बुलाएगा। पीएम मोदी आज शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्मार्ट इंडिया हॉकाथॉन के ग्रैंड फिनाले को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों के साथ 6ठे ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लिया। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ने राज्य सरकार के 3 राजधानी वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। देवेंद्र फडणवीस और सुशील मोदी ने सुशांत केस में सीबीआई जांच करवाने की मांग की। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने सुशांत सिंह मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस को सुशांत सिंह राजपूत के मामले में राजनीति न करने की सलाह दी। देश भर में आज कुर्बानी का त्योहार बकरीद मनाया जा रहा है। दिल्ली और मुंबई समेत 6 शहरों में उड़ाने 15 अगस्त तक कोलकाता नहीं जा सकेंगी क्योंकि राज्य सरकार ने वहां इन जगहों से आने पर विमानों पर 15 अगस्त तक रोक बढ़ा दी है। तबलीग से जुड़े विदेशी नागरिकों की कई एफआईआर के खिलाफ अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई जिस पर पुलिस ने उन्हें नोटिस जारी किया। राम मंदिर भूमि पूजन से पहले दिल्ली में अलग अलग जगहों पर कई एलईडी स्क्रीन लगाई जाएंगी ताकि लोग अयोध्या में होने वाले कार्यक्रम को देख पाएं। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष जफरुल इस्लाम खान को हाईकोर्ट ने देशद्रोह के मामले में अग्रिम जमानत दे दी। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर देह व्यापार से जुड़ी कुछ महिलाओं की 25 बेटियों की पूरी जिम्मेदारी उठाएंगे। पटना में गांधी सेतु की पश्चिमी लेन का केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सीएम नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया। दिल्ली हिंसा की सुनवाई के लिए केजरीवाल सरकार ने 6 वकीलों का एक पैनल तैयार किया जो पुलिस की ओर से केस लड़ेगा। दिल्ली पुलिस ने आतंकी खतरे को देखते हुए 15 अगस्त तक ड्रोन उड़ानों पर पाबंदी लगा दी। मध्य प्रदेश में कोरोना के संकट के बीच जेल कैदियों के लिए ई मुलाकात की सुविधा शुरू की गई जिसमें ये कैदी अपने घर वालों से ऑनलाइन बात कर पाएंगे। उत्तर पूर्वी दिल्ली में हिंसा पीड़ित कई लोगों ने अपने घरों को बेचकर दूसरी जगह जाने की इच्छा जताई। लखनऊ पुलिस ने जेल में बंद मुख्तार अंसारी के करीबी जुगनूवालिया की 3.5 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया। जुगनूवालिया पर अवैध तरीके से संपत्ति बनाने का आरोप है।
बिहार में बाढ़ से हालात बिगड़े, अब तक 45 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए। यूपी के एटा में एसएसपी ऑफिस के सामने चोरी के आरोप में दो महिलाओं के बीच जमकर हंगामा हुआ। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सरकारी कर्मचारियों के दफ्तर में जींस और टी शर्ट पहनकर आने पर पाबंदी लगा दी गई। मध्य प्रदेश के सभी मंत्रियों ने 3 महीने का अपना 30% वेतन कोरोना के लिए मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में देने का फैसला लिया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अनलॉक 3 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए, जिसके तहत कंटेनमेंट जोन और धार्मिक स्थलों पर पाबंदी जारी रहेगी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के चंपारण में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। गुजरात के मोरबी में युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष देवेंद्र जाडेजा के घर पुलिस ने छापा मारा और उनके पिता समेत 6 लोगों को जुआ खेलने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। रांची के अस्पताल में भर्ती लालू यादव के 3 सेवादारों को कोरोना हो गया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल के निदेशक के बंगले में शिफ्ट करने की सलाह दी गई। ग्वालियर में नगर निगम कर्मचारी के न पहुंचने पर मंत्री प्रमोदन सिंह तोमर ने खुद शौचालय की सफाई की। उत्तराखंड के टिहरी में जमीन खिसकने से एक मकान पर मलबा गिर गया, जिसमें 3 बच्चों की मौत हो गई। खबर है कि सेना और जवानों पर बनी फिल्म या वेब सीरीज बनाने से पहले अब रक्षा मंत्रालय की अनुमति लेनी जरूरी होगी। मिजोरम सरकार ने कुछ रियायतों के साथ 31 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,320 नए मामले सामने आए, जबकि एक दिन में 265 लोगों की मौत हो गई। कर्नाटक के मंत्री बीसी पाटिल को कोरोना हो गया, उनकी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पंजाब सरकार ने अनलॉक 3 में भी रात में कर्फ्यू जारी रखने का फैसला लिया, जिसके बाद रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक पाबंदी रहेगी। पंजाब सरकार ने खर्च में कटौती करने के लिए एक और फैसला लिया और सरकारी विभागों की गाड़ियों का तेल का कोटा 25% तक काट दिया। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने कोरोना संकट के बीच राम मंदिर भूमि पूजन पर सवाल उठाया और कहा कि हालात ठीक होने पर यह कार्यक्रम किया जा सकता था। तमिलनाडु ने चेन्नई के 3 मेट्रो स्टेशनों के नाम राज्य के 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों के नाम पर रख दिए, जिनमें एक स्टेशन का नाम जयललिता के नाम पर भी है। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में शराब न मिलने पर सैनिटाइजर पी रहे 9 लोगों की मौत हो गई। गुजरात हाईकोर्ट में कोरोना संकट के बीच स्कूल फीस लेने पर लगी रोक पर सुनवाई हुई, जिसमें अदालत ने फिलहाल सरकार को इस आदेश पर रोक लगाने को कहा। गुजरात के सूरत में रिलायंस फाउंडेशन की ओर से कोरोना केयर आइसोलेशन सेंटर की शुरुआत कर दी गई। सिक्किम सरकार ने लॉकडाउन सोमवार तक बढ़ाने का फैसला लिया। हैदराबाद में एक आदमी ने लॉकडाउन के दौरान 6.5 लाख से ज्यादा का बिजली बिल आने का दावा किया। अमेरिका के ह्यूस्टन में केमिकल के एक गोदाम में आग लग गई और काफी मेहनत के बाद दमकल के लोगों ने उसे बुझा दिया। अमेरिका ने मानवाधिकार उल्लंघन करने के आरोप में चीन के एक संगठन और 2 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया। अमेरिका में लग सकता है चीन ऐप टिकटॉक पर प्रतिबंध, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिए संकेत। पाकिस्तान की इमरान सरकार ने 13 दिन के अंदर ही पबजी से प्रतिबंध हटा दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति पद के पूर्व उम्मीदवार और उद्योगपति हरमन केन की कोरोना से मौत हो गई, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप समेत कई लोगों ने दुख जताया। कोरोना से ठीक हुए ब्राजील के राष्ट्रपति के फेफड़ों में अब इन्फेक्शन हो गया। लंदन में मार्च से बंद मैडम तुसाद म्यूजियम आज से फिर लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगल में लगी आग 300 एकड़ में फैल गई। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में एक रिहायशी इमारत में भीषण आग लग गई। दक्षिण कोरिया के हेजोन में भारी बारिश के बाद बाढ़ आ गई, जिसमें एक आदमी की मौत हो गई। अर्जेंटीना के फॉर्मोसा में टिड्डियों के झुंड ने फिर हमला किया, जिससे वहां पर टिड्डियों का अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया गया। हांगकांग में कोरोना की वजह से चुनाव 1 साल तक के लिए टाल दिए गए। अप्रैल से जून की तिमाही में SBI का मुनाफा 81% बढ़कर 4,189 करोड़ रहा। टाटा मोटर्स की पहली तिमाही में 8,433 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। कोरोना संकट के बीच अमेरिका में बेरोजगारी दर बढ़कर 14.7% तक पहुंच गई। पहली तिमाही में इंडियन ऑयल का मुनाफा 40% घट गया। अगले हफ्ते RBI की अहम बैठक होगी, जिसमें EMI को लेकर कई अहम फैसलों पर उम्मीद जताई जा सकती है। जून में 8 कोर सेक्टर की विकास दर पिछले साल की 3.4% से घटकर -24.6% खिसक गई। सन फार्मा को पहली तिमाही में करीब 1600 करोड़ का घाटा हुआ। खादी विकास और ग्रामोद्योग ने ITBP के साथ एक करार किया, जिसके तहत अब वो ITBP जवानों के लिए खादी का सामान सप्लाई करेगी। डेविड वार्नर का हिंदी गाने की धुन पर बांसुरी बजाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सुरेश रैना ने घर में कसरत करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। संजय मांजरेकर ने BCCI से IPL कमेंट्री पैनल में शामिल करने की अपील की। डी विलियर्सन समेत दक्षिण अफ्रीका खिलाड़ी IPL में देरी में शामिल होंगे, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में सरकार ने फिर से लॉकडाउन लगा दिया है। दानिश कनेरिया ने उमर अकमल का बैन घटाने के बाद PCB पर भेदभाव का आरोप लगाया।
वीरेंद्र सहवाग को इस साल दिए जाने वाले राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की चयन समिति में जगह दी गई। मेजबान इंग्लैंड और आयरलैंड के बिच आज दूसरा वनडे मैच खेला जाएगा। मिलिंद सोमन ने कसरत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। तापसी पन्नू ने कर्नाटक की एक जरूरतमंद छात्रा को मोबाइल भिजवा दिया ताकि ये लड़की ऑनलाइन क्लास में हिस्सा ले सके। शेखर सुमन ने महाराष्ट्र के राज्यपाल से मुलाकात की, जिसमें सुशांत सिंह की सीबीआई से जांच करवाने की बात की गई। विद्या बालन की फिल्म शकुंतला देवी ऑनलाइन रिलीज कर दी गई।